morning, students. In the yesterday class, we learn the exercise 1.4, which is a differentiation of parametric functions. Now, in this today's lecture, we learn higher order derivative. ठीक है, higher order derivative. इसमें जो हमारी exercise इसमें दो topic है. एक है to find the second order derivative and nth order derivative. तो students, due to COVID-19 जो 25% reduced syllabus हुआ है इस चैप्टर का, उसमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो आपको नहीं पढ़ना है स्टूडेंट. ठीक है, तो इस एक्सरसाइज 1.5 में हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं वो पढ़ेंगे. और इसमें मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, इस चैप्टर का जो वेटेज है वो 9 मार्क का है और इसमें जनरली 4 मार्क का क्वेश्चन या 3 मार्क का क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में आता है. तो एक्सरसाइज 1.4 एंड 1.5 बोथ एक्सरसाइज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, फॉर एग्जाम पर्पज. तो स्टूडेंट अभी भी हम देखते हैं कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं. इफ ये आपको बताया, इफ वाई इज अ फंक्शन, इफ वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज अ डिफरेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स, देन अगर मैं वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई फंक्शन है स्टूडेंट और उसका अगर मैं डेरिवेटिव फाइंड करता हूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहां पर लिखा है मैंने विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या आएगा स्टूडेंट, डीवाई बाय डी एक्स इक्वल टू एफ डैश ऑफ एक्स. ठीक है, ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है, इसका मैं अगर डेरिवेटिव ले रहा हूं तो यह आता है स्टूडेंट डीवाई बाय डी एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. ठीक है, और स्टूडेंट एफ डैश ऑफ एक्स को मुझे, मैं अगर इस डेरिवेटिव इस फंक्शन का अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालता हूं तो इसको डीवाई बाय डी एक्स के फॉर्म डीवाई बाय डी एक्स भी लिख सकता हूं मैं. उसके बाद एफ डैश ऑफ एक्स यानी भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है, वाई वन यानी भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होता है और वाई डैश भी यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये आपको हमेशा के लिए याद रखना है. उसके बाद स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये हो गया. उसके बाद अगर मैं फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव जो निकाला है उसका अगर डेरिवेटिव ले रहा हूं, देखो यहाँ पे ये डीवाई बाय डी एक्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो डीवाई बाय डी एक्स यानी क्या होता है एफ डैश ऑफ एक्स, तो इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव और विद रिस्पेक्ट टू और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. और स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर और आई कैन राइट एफ डैश ऑफ एक्स और वाई टू यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट एंड वाई डैश वाई डबल डैश ये भी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है. यहां पे आपको एक पॉइंट हमेशा के लिए याद रखना है कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. यानी एग्जाम्पल में अगर आपको पूछा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ डी स्क्वेयर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वेयर, तो फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ डीवाई बाय डी एक्स और डीवाई बाय डी एक्स यानी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और उसका अगर मैं और डेरिवेटिव निकालता हूं तो वो होगा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. इसलिए ये नोट याद रखो, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इज द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें एक यही बात थी. ठीक है, आप इसको आप लर्न कर लो. अभी हम पढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.5. ठीक है, उसके उसका फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल और थर्ड एग्जाम्पल, तीन ही एग्जाम्पल है. फोर्थ वाला जो एग्जाम्पल है वो nth ऑर्डर डेरिवेटिव का है, वो आपके इस साल के सिलेबस में रिड्यूस हो चुका है तो हम वो फोर्थ वाला एग्जाम्पल नहीं पढ़ेंगे. थ्री एग्जाम्पल जो है उसके जितने भी क्वेश्चन है वो सभी पढ़ लेंगे. ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो. देखो स्टूडेंट, अभी हम एक्सरसाइज 1.5 का फर्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग. तो स्टूडेंट हमेशा याद रखो कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी होता है डीवाई बाय डी एक्स और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी होता है डी स्क्वेयर एक्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर. तो इस एग्जाम्पल में हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करना है और हमेशा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जो है वो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव रहता है. ठीक है, तो जो भी है इसको मैं पहले y से कंसिडर कर रहा हूं, y इक्वल टू हियर लेट y इक्वल टू 2x रेस टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2. अभी क्या कर रहा हूं सुन, मैं ये जो डिनोमिनेटर में x स्क्वायर है ना उसको न्यूमरेटर में इसी स्टेप में लिख रहा हूं, तो ये हो जाएगा x रेस टू पावर माइनस 2 माइनस 9. नाउ डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा
dy बाय डी एक्स, डीवाई बाय डी एक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। यहां पे आएगा डेरिवेटिव ऑफ, चलो एक स्टेप लिख लेता हूं मैं, 2x रेस टू पावर 5 माइनस 4x क्यूब माइनस 2x रेस टू पावर माइनस 2 माइनस 9। ठीक है, तो अभी स्टूडेंट इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर 5, 2 डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर 5 माइनस 4 डेरिवेटिव ऑफ x क्यूब माइनस 2 डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर माइनस 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ कॉन्स्टेंट टर्म विच इज ऑलवेज जीरो। तो 2 यहाँ पे x रेस टू पावर 5 पे xn का फॉर्मूला यूज कर लो स्टूडेंट्स, डेरिवेटिव ऑफ xn क्या होता है nx n माइनस 1, तो आएगा 5 x रेस टू पावर 5 माइनस 1 मीन्स 4 माइनस 4 एक्स रेस टू पावर 3 यानी इसका डेरिवेटिव 3 एक्स रेस टू पावर 3 माइनस 1 2 माइनस 2 एक्स रेस टू पावर माइनस 2 ये कितना आएगा माइनस 2 एक्स रेस टू पावर माइनस 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 1 मीन्स माइनस 3 माइनस इसका डेरिवेटिव 0। तो देखो स्टूडेंट 5 टू जा 10 10 एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 4 3 जा 12x² माइनस माइनस प्लस 4x रेस टू पावर माइनस 3 ये जीरो हो गया स्टूडेंट, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। मैंने आपको बोला था कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी क्या होता है, द डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी होता है d²y/dx²। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका मुझे और डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, अगेन डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx विद रिस्पेक्ट टू x इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, अभी इसका भी डेरिवेटिव आएगा मैं इसको अभी सेपरेट लिख रहा हूं, इक्वल टू 10 डेरिवेटिव ऑफ x रेस टू पावर 4 माइनस 12 डेरिवेटिव ऑफ x² प्लस 4 इंटू डेरिवेटिव ऑफ एक्स माइनस 3 एक्स रेस टू पावर माइनस 3। तो 10 डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर 4 कितना आता है 4 इंटू एक्स रेस टू पावर 4 माइनस 1 दैट इज 3 माइनस 12 इंटू 2 एक्स रेस टू पावर 1 2 माइनस 1 तो 1 नहीं लिखा जाता है प्लस 4 इंटू माइनस 3 एक्स रेस टू पावर माइनस 3 माइनस 1 दैट इज माइनस 4। और स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो dy बाय dx का डेरिवेटिव क्या आएगा यहाँ पे d²y/dx² इक्वल टू 10 4 जा 40 40x³ माइनस 12 टू जा 24x प्लस माइनस माइनस 4 3 जा 12 एक्स रेस टू पावर माइनस 4। तो स्टूडेंट्स d²y/dx² इक्वल टू 40x³ माइनस 24x माइनस 12 और ये जो x रेस टू पावर माइनस 4 इसको डिनोमिनेटर में लिख रहा हूं दिया आएगा x रेस टू पावर 4। तो ये हो गया स्टूडेंट हमारा सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, इस एग्जाम में हमको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला था या ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया है। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड एग्जांपल जो है ये सेम वैसे सॉल्व करना है, मैं आपको इसको होमवर्क दे रहा हूँ, ये आप सॉल्व कर लेना है। थर्ड वाला एग्जांपल इसमें एक्सरसाइज में मैं एक या दो एग्जांपल आपको प्रैक्टिस के लिए देने वाला हूँ। ठीक है, तो सेकंड वाला क्वेश्चन ये होमवर्क है, ये आपको सॉल्व करना है। थर्ड एग्जाम्पल देखो, थर्ड एग्जाम्पल का सोल्यूशन बता रहा हूँ मैं, इसको पहले वाई से डिनोट कर लो, लेट वाई इक्वल टू ई टू द पावर 4x इंटू कॉस 5x, इसको डिफरेंशिएट कर लो स्टूडेंट, डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा dy बाय dx इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन e टू द पावर 4x इंटू कॉस 5x। अभी देखो सुन यहाँ पे दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट अगर रहा और उसका उस फंक्शन का मुझे डेरिवेटिव फाइंड कर रहा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होता है सुन, प्रोडक्ट रूल यूज होता है। तो प्रोडक्ट रूल क्या बोलता है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट फंक्शन e टू द पावर 4x, तो यहाँ पे dy बाय dx आ जाएगा स्टूडेंट्स, e टू द पावर 4x एज इट इज, जिसका डेरिवेटिव नहीं लिखा जाता है, जिसमें dy बाय dx नहीं रहता है वो एज इट इज रहता है। डेरिवेटिव ऑफ cos 5x कितना होता है, यस माइनस साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x कंपोजिट फंक्शन है प्लस cos 5x एज इट इज, उसमें dy बाय dx नहीं है इसलिए वो एज इट इज रहेगा। इसका डेरिवेटिव, डेरिवेटिव ऑफ इसका डेरिवेटिव कितना है स्टूडेंट, e टू द पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x, ठीक है हो गया ये। उसके बाद dy बाय dx इक्वल टू ये माइनस साइन यहां पे e टू द पावर 4x साइन 5x, और 5x का डेरिवेटिव कितना होता है, 5x का डेरिवेटिव 5 प्लस cos 5x इंटू e टू द पावर 4x और 4x का डेरिवेटिव 4। तो ये हो गया स्टूडेंट्स, इसको ज्यादा ज्यादा मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, 5 पहले लिख लो, 5 या फिर यहां से e टू द पावर 4x कॉमन आ रहा है स्टूडेंट्स, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं यहां पे माइनस माइनस भी साइन नहीं ले रहा हूं, e टू द पावर 4x माइनस माइनस 5 साइन 5x प्लस ये कॉमन आ गया तो 4 cos 5x एक ब्रैकेट में होगा। ये हो गया स्टूडेंट dy बाय dx। अभी मुझे क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, यहां पे डिफरेंशिएट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव नहीं होता है डी स्क्वायर बाय बाय डीएक्स स्क्वायर, इसका और एक बार मुझे डेरिवेटिव लेना है, यहां पे लिख लो अगेन डिफरेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा dy बाय dx डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का डेरिवेटिव। यहां पे देखो पहले ये लिख लेता हूं मैं डेरिवेटिव ऑफ e टू द पावर 4x और ये माइनस 5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x। अभी यहां पे भी स्टूडेंट अगर आप देखते हो तो इसमें दो फंक्शन है, ठीक है यहां पे अगर आप देखते हो तो इसमें दो फंक्शन है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ठीक है तो इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसमें ज्यादा स्पेस नहीं है इसलिए मैं यहां पे डायरेक्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव क्या आएगा 5 इंटू साइन 5x का डेरिवेटिव cos 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5x 5, ठीक है प्लस प्लस 4 डेरिवेटिव ऑफ cos 5x माइनस साइन 5x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 5 5x 5, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन क्या है अभी माइनस 5 साइन 5x प्लस 4 cos 5x इंटू सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव क्या आएगा स्टूडेंट, फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव e टू द पावर 4x इंटू डेरिवेटिव ऑफ 4x 4। देखो स्टूडेंट ये कितना आएगा, ये इसके मल्टीप्लिकेशन में है बराबर है, तो पहले इसको यहां से भी इन दोनों इसमें स्टूडेंट मैं e टू द पावर 4x क्या ले रहा हूं कॉमन ले रहा हूं, तो सभी इसमें e टू द पावर 4x कॉमन आ गया। यहां पे देखो 5 था माइनस 25 cos 5x माइनस 5 था 20 sin 5x प्लस माइनस माइनस 5 था 20 साइन 5x और यहां पे प्लस 4 था 16 cos 5x हो गया, ये स्क्वायर ब्रैकेट यहां पे। तो डेरिवेटिव ऑफ dy बाय dx कितना आएगा स्टूडेंट, ये आएगा डी स्क्वायर वाई बाय dx स्क्वायर, तो यहां पे e टू द पावर 4x कॉमन था। अभी यहां पे देखो कॉस की टर्म कौन सी है, ये है और ये है बराबर है ना, माइनस 25 कॉस एक्स प्लस 16 कॉस 5 एक्स कितना होता है, यस माइनस 9
cos 5x माइनस 20 साइन 5x माइनस 20 दिया आएगा माइनस 40 साइन 5x। नेक्स्ट में अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले रहा हूं स्टूडेंट्स, ठीक है, तो क्या मिलेगा मुझे, इट इज पावर 4x 9 cos 5x प्लस 40 साइन 5x, ठीक है, और ये डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर। तो ये हो गया स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल, ठीक है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ये एग्जांपल मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, सिमिलर एग्जांपल है। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमने तो 11 में पढ़ा था, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यानी उसका और एक बार डेरिवेटिव, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं एग्जांपल, ये दो एग्जांपल मैं होमवर्क दे रहा हूं। थर्ड वाला एग्जांपल देख लो, क्या दिया है, x रेस टू पावर x, तो लेट y इक्वल टू x रेस टू पावर x। तो स्टूडेंट हम अपने दिखाऊंगा कि x रेस टू पावर x इज द, ये क्या है, फंक्शन ऑफ फंक्शन है, तो इसमें क्या लेना पड़ता है, यस इसमें लॉग लेना पड़ता है। तो देखो हम क्या लेंगे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, तो ये क्या आएगा, लॉग y इक्वल टू लॉग x रेस टू पावर x, ठीक है, अभी यहां पे आएगा x log y, नाउ डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x। तो स्टूडेंट log y का डेरिवेटिव क्या आता है, ये आता है 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू, और इसमें इसका अगर मैं डेरिवेटिव निकालता हूं तो इसमें दो फंक्शन का मल्टीप्लीकेशन है, तो हियर वी यूज प्रोडक्ट रूल, तो फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो 1 बाय वाई डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू एक्स डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स, यस 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स, वी नो दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स विच इज 1, तो डी वाई बाय डी एक्स। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट स्टेप में जो वाई है डिवाइड में, इसको राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा, एक्स एक्स कैंसल, तो यहां पे आएगा 1 प्लस लॉग एक्स। अभी यहां पे देखो आपको बताऊंगा, ये इस तरह के एग्जाम्पल हमने सॉल्व की है, पुट द वैल्यू ऑफ y, y की वैल्यू क्या है, x रेस टू पावर x 1 प्लस log x। तो स्टूडेंट ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसको मैं इक्वेशन 1 दे रहा हूं क्योंकि ये इसके सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए यूज होने वाला है। अभी यहां पे लिखो अगेन डिफ्रेंशिएट y विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स रेस टू पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो यहां पे फॉर्मूला अप्लाई कर लो, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव विच इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन 1 प्लस लॉग एक्स प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज 1 प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन एक्स रेस टू पावर एक्स, ठीक है, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू एक्स रेस टू पावर एक्स। यहां पे स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ 1 0 आता है, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एक्स क्या आता है, 1 बाय एक्स आता है, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं 0 प्लस 1 बाय एक्स, ठीक है, प्लस 1 प्लस लॉग एक्स एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स टू द पावर एक्स ये हमने यहां पे निकाला था स्टूडेंट, डी एक्स टू द पावर एक्स यानी डी वाई बाय डी एक्स, ये वाई है ना स्टूडेंट्स, तो मैं यहां पे ऐसे लिख सकता हूं डेरिवेटिव ऑफ वाई यानी एक्स रेस टू पावर एक्स, और या इक्वल टू भी लिख सकता हूं, डजंट मैटर, ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया स्टूडेंट, ये आ गया इसका डेरिवेटिव एक्स रेस टू पावर एक्स 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू यहां पे स्टूडेंट्स एक्स अगर मैं ऊपर लेके ये जीरो आ गया ना, जीरो इंटू एक्स टू पावर एक्स जीरो,
ये इसका पावर वन है स्टूडेंट, इसको अगर मैं न्यूमरेटर में लिखे जा रहा हूं तो कितना आएगा एक्स रेस्ट पावर माइनस वन, तो एक्स इंटू एक्स एक्स रेस्ट पावर माइनस वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स इंटू वन प्लस लॉग एक्स वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर, तो डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए रेस्ट पावर एम इंटू ए रेस्ट पावर एन, ए रेस्ट पावर एम प्लस एन तो आएगा एक्स रेस्ट पावर एक्स माइनस वन प्लस एक्स रेस्ट पावर एक्स वन प्लस लॉग एक्स होल स्क्वायर। तो ये हो गया स्टूडेंट हमको जो एग्जाम्पल में पूछा था कि एक्स रेस्ट पावर एक्स उसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होता है, ठीक है। तो हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व कर लिया है, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल हो गया है, सेकंड एग्जाम्पल फाइंड डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है एक्स इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा एंड वाई इक्वल टू ए वन माइनस कॉस थीटा। सबसे पहले स्टूडेंट मुझे ये बताओ कि इसके पहले का एग्जाम्पल है, इससे ये थोड़ा एग्जाम्पल अलग है, बराबर है। बताओ मुझे ये कौन सा फंक्शन है। यस दिस इज अ पैरामेट्रिक फंक्शन, इसमें एक्स और वाई क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन है और थीटा क्या है स्टूडेंट्स थीटा इसमें पैरामीटर है। तो सबसे पहले हमने एक्सरसाइज 1.4 में डिफरेंशिएशन ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन में जैसे एग्जांपल सॉल्व किए थे, जैसे फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व किया था पहले उसको वैसे ही सॉल्व कर लो, बाद में जब हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे तब कैसे सॉल्व करना मैं बता दूंगा आपको। देखो यहां पे लेट ये ऑलरेडी दिया है ना, इसको बार बार नहीं लिख रहा हूं, एग्जाम्पल दिया है स्टूडेंट्स। तो यहां पे इसको मैं कर रहा हूं डिफ्रेंशिएट एक्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पे आएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए थीटा माइनस साइन थीटा। वी नो दैट ए इज द कॉन्स्टेंट टर्म, सो इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स। थीटा की वैल्यू क्या है डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू थीटा, तो यहां पे थीटा यानी कितना आएगा वन माइनस इसका डेरिवेटिव साइन थीटा का डेरिवेटिव क्या आता है स्टूडेंट कॉस थीटा। तो ये हो गया डी एक्स बाय थीटा का डेरिवेटिव वन माइनस ए वन माइनस कॉस थीटा। अभी इसका डेरिवेटिव डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू इसका डेरिवेटिव, तो मैं यहां पर लिखता हूं डेरिवेटिव ऑफ ए वन माइनस कॉस थीटा। तो डेरिवेटिव ऑफ देखो यहां पे स्टूडेंट्स डेरिवेटिव ऑफ वन कितना आता है, ए तो कॉन्स्टेंट नंबर है वो कॉमन आ जाएगा, ठीक है डेरिवेटिव का पहला आ जाएगा। डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन जीरो डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा आएगा स्टूडेंट माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा ए साइन थीटा। ये होगी स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स की वैल्यू, इसको भी मैं बॉक्स में लिख रहा हूं। अभी पैरामेट्रिक फंक्शन में क्या होता है, यहां पे मुझे डी स्क्वायर वाई बाय डी एक्स स्क्वायर बोला है, डी स्क्वायर थीटा नहीं बोला है, तो मैं क्या लूंगा नाउ डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यह आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू फॉर्मूला क्या है यस डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा। तो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स सॉरी यहां पे थीटा चाहिए, तो यह आएगा ए साइन थीटा अपॉन ए वन माइनस कॉस थीटा। अगर इसको मैं इक्वेशन जरूरत नहीं है आप समझ सकते हो, अभी ए कैंसिल हो जाएगा साइन थीटा की वैल्यू टू साइन थीटा बाय टू इंटू कॉस थीटा बाय टू अपॉन वन माइनस कॉस थीटा की वैल्यू टू साइन स्क्वेयर थीटा बाय टू। तो टू टू कैंसिल स्टूडेंट साइन भी यहां से चला जाएगा एक कॉस अपॉन साइन आएगा कॉट थीटा बाय टू। ये किसकी वैल्यू है स्टूडेंट ये वैल्यू है डी वाई बाय डी एक्स की। डी वाई बाय डी एक्स यानी क्या होता है स्टूडेंट फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। नाउ अगेन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहां पर आएगा डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ
आएगा कॉट थीटा बाय टू। तो अभी मुझे स्टूडेंट्स यहां पे पहले बता दो, मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिख रहा हूं बराबर है, और यहां पे विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो इसका डायरेक्ट डेरिवेटिव जीरो नहीं आएगा, ये हमेशा याद रखो। अगर यहां पे मैं बोलता हूं कि यहां पे एक्स है वहां पे डेरिवेटिव अप्लाई होगा क्योंकि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोला है, लेकिन स्टूडेंट यहां पे थीटा है तो क्या करना है, चेन रूल यूज करके इसको सॉल्व करना है। इस एग्जांपल में पैरामेट्रिक फंक्शन में थोड़ा याद रखो कि जब भी मैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव यूज करूंगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव सॉल्व करूंगा, तब आपको चेन रूल अप्लाई करना है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं डी ए बाय डी थीटा इंटू कॉट थीटा बाय टू इंटू लिख रहा हूं डी थीटा बाय डी एक्स। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट, अगर ये ऐसा समझ लो कि डी थीटा थीटा मैंने बैलेंस कर दिया, ये हो गया चेन रूल। ठीक है, अभी देखो d by d theta into cot theta यानी derivative of cot theta by 2, derivative of cot theta क्या होता है minus cosec square theta होता है, तो यहाँ पे आएगा minus cosec square theta by 2 into derivative of what, derivative of theta by 2 into d theta by dx। मेरे पास d theta by dx नहीं है, क्या है student dx by theta है, dx by d theta है, तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूँ ना, इंटू वन अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा लिख सकता हूं, ऐसे रिसिप्रोकल के फॉर्म में अगर लिखा तो वन अपॉन में फॉर्म में लिखूंगा मैं। अभी यहां पे देखो माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय टू इंटू डेरिवेटिव ऑफ वन बाय टू तो कॉमन आ जाएगा, थीटा का डेरिवेटिव वन, तो ये आएगा स्टूडेंट्स वन बाय टू इंटू वन अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा की वैल्यू यहां से लिख लो, मैं इसको इक्वेशन वन दे रहा हूं तो आप इजिली बाय वन से लिख सकते हो। dx by d theta की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, a इंटू वन माइनस cos theta, तो ये आ गया डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर इक्वल टू वन बाय टू पहले cosec स्क्वायर theta बाय टू अपॉन a इंटू वन माइनस cos theta कितना होता है स्टूडेंट्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि फॉर्मूले लर्न कर लो ताकि आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में कुछ भी डिफिकल्टी नहीं आएगी। वन माइनस कॉस थीटा क्या आता है, वन माइनस कॉस आता है टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू। ठीक है, तो देखो माइनस वन अपॉन टू और ये यहां पे लिख रहा हूं, ठीक है टू टू सा यहाँ पे फोर, डायरेक्ट यहाँ पे फोर आएगा स्टूडेंट्स, और वी नो दैट वन अपॉन साइन ए क्या हो, वन अपॉन साइन थीटा बाय टू कोसेक थीटा बाय टू होता है, तो वन अपॉन साइन स्क्वायर थीटा बाय टू कितना होगा कोसेक स्क्वायर थीटा बाय टू, तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कोसेक स्क्वायर थीटा बाय टू और ये कोसेक स्क्वायर थीटा बाय टू, तो ऐसा लिख सकता हूं मैं माइनस वन बाय फोर ए कोसेक रेस्ट टू पावर फोर थीटा बाय टू, स्क्वायर स्क्वायर का एडिशन हो जाएगा, ये हो गया आपका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अगर कुछ डाउट होगा तो आप मुझे पूछ लेना, ठीक है इसको नोट डाउन कर लो। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद सेकंड एग्जांपल देखेंगे हम, ये क्वेश्चन टू का सेकंड एग्जांपल है। ठीक है, तो x इक्वल टू 280 स्क्वायर y इक्वल टू 480, आपको बताऊंगा कि 1.4 में हमने ये एग्जांपल ऑलरेडी पढ़ा है, ठीक है बस इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं ये एग्जाम्पल आपको होमवर्क दे रहा हूं आप सॉल्व कर लेना। ये एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, ये भी इसकी दो मेथड है, लेकिन मैं आप सेकंड मेथड बाद में देख लेना, सेकंड मेथड भी सिंपल है, इस मेथड से ज्यादा स्टेप बढ़ेंगे, लेकिन मैं एक सिंपल मेथड आपको बता रहा हूं ये एग्जाम्पल सॉल्व करने की। देखो स्टूडेंट्स अगर एक्स इक्वल टू साइन थीटा है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो वाई इक्वल टू मैं साइन थीटा क्यूब, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है, एक्स इक्वल टू साइन थीटा है यहां पे पुट करना है आपको, तो मैं लिख सकता हूं वाई इक्वल टू एक्स क्यूब क्योंकि साइन क्यूब थीटा है और साइन थीटा की वैल्यू क्या है एक्स है, तो कैन आई राइट वाई इक्वल टू एक्स क्यूब। नाउ डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यह आएगा स्टूडेंट्स डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, तो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू थ्री एक्स स्क्वेयर, ये हो गया। अगेन डिफ्रेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू
एक्स, तो ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर। तो डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स कितना आता है स्टूडेंट्स, ये आता है डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर, दैट इज सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर कितना आएगा सिक्स एक्स, ये आपको पता है। ठीक है, अभी देखो नाउ इफ, चलो मैं यहां पे डायरेक्ट इफ करके लिख रहा हूं, इफ क्या बोला है थीटा थीटा बाय टू ये बोला है ना, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं इफ एक्स इक्वल टू थीटा बाय टू देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा साइन यहां पे एग्जाम्पल मैंने कुछ गलत लिखा है, देखो स्टूडेंट यहां पे मैंने थोड़ा गलत लिखा है एग्जाम्पल, यहां पे है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय टू है। ठीक है, तो यहां पे देखो एट इफ थीटा इक्वल टू पाई बाय टू देन एक्स इक्वल टू क्या आएगा साइन, एक्स इक्वल टू साइन थीटा है तो थीटा की वैल्यू क्या आएंगी पाई बाय टू, देयरफॉर डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एट लिख सकता हूं थीटा इक्वल टू पाई बाय टू, तो डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर यहां पे आएगा स्टूडेंट एट एक्स इक्वल टू वन, वी नो दैट साइन पाई बाय टू, साइन पाई बाय टू मीन कितना होता है साइन 90, और साइन 90 कितना आता है दोस्तों साइन 90 आता है 1, तो मैं कहना राइट एट एक्स इक्वल टू 1 तो 6x, तो 6 इंटू 1 विच इज इक्वल टू 6। ठीक है स्टूडेंट, तो ये हो गया इस एग्जाम्पल का सोल्यूशन, इसके अलग भी मेथड है, जैसे हम इसको सॉल्व पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे उसके बाद सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, उस मेथड से भी आंसर फ्री आने वाला है लेकिन उसमें स्टेप्स बढ़ेंगे। तो ये एक सिंपल एग्जाम्पल था, आप इसको नोट डाउन करके रख लो। देखो स्टूडेंट्स उसके बाद फोर्थ वाला एग्जांपल, गिवन दैट एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा एंड वाई इक्वल टू बी साइन थीटा एट थीटा इक्वल टू पाई बाय 4। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखो एक्स इक्वल टू क्या दिया है ए कॉस थीटा दिया है एंड वाई इक्वल टू क्या दिया है बी साइन थीटा दिया है, तो एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, तो डिफ्रेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यहाँ पे क्या है स्टूडेंट एक्स एंड वाई इज द पैरामेट्रिक फंक्शन एंड थीटा इज द पैरामीटर। ठीक है, तो डिफरेंशिएट एक्स विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ये आएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ ए कॉस थीटा, तो ये आएगा डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ, अभी ए पे तो डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा स्टूडेंट्स, कॉस थीटा पे अप्लाई होगा, डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा कितना आता है माइनस साइन थीटा, तो इसका डेरिवेटिव कितना आ गया स्टूडेंट्स डी एक्स बाय डी थीटा इक्वल टू माइनस ए साइन थीटा हो गया ये। उसके बाद यहां पे डिफरेंशिएट वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, सॉरी विद रिस्पेक्ट टू थीटा इज द पैरामीटर, तो यहां पे आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी थीटा इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ बी साइन थीटा, तो ये आएगा बी डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा, डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा दिया आएगा बी कॉस थीटा, ये होगी स्टूडेंट डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू। ठीक है, अभी मुझे पहले किसकी वैल्यू फाइंड करनी है स्टूडेंट्स, नाउ डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, सो डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू क्या फॉर्मूला आएगा स्टूडेंट डी वाई बाय डी थीटा अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा, तो डी वाई बाय डी थीटा की वैल्यू क्या आ गई बी कॉस थीटा एंड डी एक्स बाय, यहां पे थीटा चाहिए बाय में से हो गया, डी एक्स बाय थीटा की वैल्यू माइनस ए साइन थीटा, तो क्या है राइट मैं ऐसे लिख सकता हूं माइनस बी बाय ए कॉस अपॉन साइन कॉट थीटा, ये होगी स्टूडेंट किसकी वैल्यू डी वाई बाय डी एक्स, लेकिन मुझे किसकी वैल्यू चाहिए
सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर की यहां पे लिख लो अगेन डिफरेंशिएट वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स. तो ये आएगा स्टूडेंट्स डी बाय डी एक्स दैट इज डेरिवेटिव ऑफ डी वाई बाय डी एक्स इक्वल टू माइनस डी बाय कौन सा नंबर है इस पे डेरिवेटिव अप्लाई नहीं होगा यहां पे अप्लाई होगा डेरिवेटिव ऑफ कॉट थीटा. तो सेम स्टूडेंट्स डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स है यहां पे कॉट थीटा है तो क्या करना है चेन रूल यूज करना है. तो मैं यहां पे लिखूंगा कॉट थीटा पहले यहां पे लिखूंगा डी बाय डी थीटा कॉट थीटा इंटू डी थीटा अपॉन डी एक्स ये बैलेंस होना चाहिए. फिर नेक्स्ट इसमें माइनस डी बाय ए डेरिवेटिव ऑफ कॉस थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन इस कैन राइट इन दिस वे डी वन अपॉन डी एक्स बाय डी थीटा. तो माइनस माइनस प्लस ठीक है स्टूडेंट्स तो यह आएगा बी बाय ए कोसेक स्क्वायर थीटा इंटू वन अपॉन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ डी एक्स बाय डी थीटा डी एक्स हो गया है डी एक्स बाय डी थीटा क्या है इसको अगर मैं इक्वेशन वन लिख रहा हूं तो डी एक्स बाय डी थीटा का वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा तो माइनस ए साइन थीटा यहां पे लिख लो बाय इक्वेशन वन. अभी देखो स्टूडेंट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आता है डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा स्टूडेंट्स सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा अपॉन बी ए इंटू ए ए स्क्वेयर. ये अगर वन में वन अपॉन साइन कितना होता है वन अपॉन साइन होता है कोसेक थीटा और ये कोसेक स्क्वेयर है तो यहां पे आएगा कोसेक क्यू थीटा. यू गेस स्टूडेंट सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. अभी मैं थोड़ा इस साइड का मिटा रहा हूं ठीक है ये तो आपने स्क्रीनशॉट निकालाऊंगा मैं यही से मिटा रहा हूं ठीक है. अभी देखो स्टूडेंट क्या बोला एग्जांपल में ये मिटा ही लेता हूं ना पूरा क्योंकि ऑलरेडी मैंने यहां पे लिख लिया है. अभी क्या बोला है स्टूडेंट यहां पे एट थीटा इक्वल टू कितना दिया है एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर बोला है. नाउ एट गिवन दैट एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर तो क्या क्या आएंगे यहां पे डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर यहां पे आएंगे एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वेयर कोसेक क्यू पाई बाय फोर. तो मैं ऐसे लिख सकता हूं स्टूडेंट माइनस बी बाय ए स्क्वेयर कोसेक पाई बाय कोसेक क्यू पाई बाय फोर को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं तो माइनस बी बाय ए स्क्वेयर देखो पाई बाय फोर एंड 45 होता है साइन 45 वन अपॉन रूट टू तो कोसेक 45 कितना होगा रूट टू तो मैं यहां पे लिख सकता हूं रूट टू होल क्यू. रूट टू होल क्यू कितना आता है स्टूडेंट्स माइनस बी बाय ए स्क्वेयर रूट टू होल क्यू आता है टू रूट टू होल क्यू मीन रूट टू रूट टू रूट टू थ्री टाइम्स तो यह आएगा टू टाइम्स ऑफ रूट टू. तो ये हो गया स्टूडेंट्स डी स्क्वेयर वाई बाय डी एक्स स्क्वेयर एट थीटा इक्वल टू पाई बाय फोर. तो स्टूडेंट्स ये हो गया एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में जितने भी एग्जाम्पल थे और एग्जाम्पल नंबर सेकंड में भी जितने एग्जाम्पल थे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बताए जो कुछ होमवर्क मैंने दिए आपको प्रैक्टिस के लिए वो आपको सॉल्व करना है और ग्रुप में भेजना है ठीक है. इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको एग्जाम्पल नंबर फोर पढ़ाऊंगा वो हमारा लास्ट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि फोर्थ के बाद जो एग्जाम्पल फोर्थ ये सेकंड है उसके बाद जो थर्ड क्वेश्चन है वो पढ़ाऊंगा मैं. फोर्थ क्वेश्चन जो यंथ ऑर्डर डेरिवेटिव वो आपके सिलेबस में नहीं है मैंने ऑलरेडी आपको बताया है. तो इसके बाद का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर जब मैं पढ़ाऊंगा तब हमारा डेरिवेटिव चैप्टर खत्म हो जाएगा उसके बाद हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ लेंगे. आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ा रहा हूं ठीक है इसको आप नोट डाउन कर लो. थैंक यू.